गिरफ्तारी की थी, जिसमें एक आतंकवादी मुंबई के धारावी से भी शामिल था, जिस पर आज एटीएस चीफ विनीत अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट बताई है। और उन्होंने कहा है दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच है उसको सारी जानकारी दे दी गई है। और अब रुख करेंगे खबरों की ओर, जहां यूपी एटीएस ने लखनऊ से एक ही परिवार के 3 लोगों को उनके आवास प्रेमवती नगर थाना आलमबाग से उठाया था। आमिर जावेद, अब्दुल्ला मोहम्मद और मोहम्मद आमिर को पूछताछ के बाद एटीएस ने 2 युवकों को छोड़ दिया और आमिर को एटीएस ने गिरफ्तार कर आतंकी संगठनों में शामिल भी पाया है। आमिर जावेद के भाई हैं और एटीएस ने गिरफ्तार किया था उनको आज सुबह 7:30 बजे। अब्दुल्ला मोहम्मद जावेद और मोहम्मद आमिर को लेकर एटीएस ऑफिस गई थी, जहां उन्हें नजरबंद करके रखा गया था। 4 लोगों को गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हम मौजूद हैं इस वक्त मोहम्मद आमिर के घर पे। यहाँ से आमिर को ले जाया गया है, ये लखनऊ से सस्पेक्ट बताया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आमिर के भाई अब्दुल्ला मौजूद हैं। हम बात करते हैं, कल इनको भी एटीएस यहाँ से लेके गई थी, जो इनके भाई हैं उनको भी लेके साथ में गई थी। आप लोगों को कल एटीएस यहाँ से लेके गई थी, आमिर को लेके गई थी, किस तरीके की पूछताछ की, क्या कुछ पूछा गया? उन्होंने पूछा कि हम लोग कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं। हमने उनसे बताया कि हम जोमेटो में काम करते हैं 6 से 12, ये सब काम हमने उनको बताया। तो कहने लगे कि आपके भाई कहाँ काम करते हैं, तो हमने उनको बताया कि वो अमरून कंपनी में काम करते हैं, कुर्सी रोड पे, जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हैं, हलाल ट्रस्ट में। तो उन्होंने ये सब हमको बताया, तो कहने लगे ठीक है जो है, तो कहने लगे कोई गलती नहीं होगी तो आप लोगों को वापस भेज दिया जाएगा, जिस इज्जत के साथ लाएँ उसी इज्जत के साथ छोड़ देंगे। तो हमने कहा कि ठीक है, फिर 2-3 घंटे के बाद कहने लगे कि अभी तुम लोगों को तीनों को 6 बजे तक घर छोड़ दिया जाएगा। फिर 6 बजे के बाद फिर 8 बजे कहने लगा तुम लोगों को घर छोड़ दें। जब हम लोग वहाँ से निकले तो जो हमको लेके आ रहे थे, तो हमने उनसे पूछा कि हमारा भाई कहाँ है, तो कहें उससे भी पूछताछ हो रही, वो कल तक घर आएगा। तो हमने कहा अच्छा, उनसे बात हो सकती है, कहीं फ़ोन करते रहना उसके नंबर पर, कल तक वो भी ऑन हो जाएगा, तो उससे तुम बात कर लेना। तो हमने कहा आएगा वैसे कब तक, तो कहीं कल तक वापस आ जाएगा। तो उसके बाद जो है हम लोग जब वहाँ थाने पर ये लोग हम लोगों को छोड़े वापस आ गए, अब इस टाइम फ़ोन कर रहे हैं तो ना कोई कॉल लग रही है ना कोई बात हो पा रही है। तरीके का काम करता था, कोई खजूर का भी काम करता था, और ये भी बताया गया कि प्रयागराज से भी कोई कनेक्शन जोड़ा जा रहा है, कोई रिश्तेदारी हो किसी तरीके का, क्योंकि जो ओसामा पकड़ा गया है उससे कोई जानकारी मिली हो या किसी तरीके की रिश्तेदारी हो? प्रयागराज में हमारी बहन की शादी हुई है भाई, प्रयागराज में बहन है, उनके हस्बैंड, उनका परिवार रहता है, ये रिश्तेदारी हम लोगों की। किस तरह के कोई ताल्लुक हो, क्योंकि जो बताया जा रहा है ट्रांजेक्शन हुआ है उसको लेकर कोई बात सामने आई है? भाई हमारे बहनों के बड़े भाई खजूर का काम करते हैं, उन्हीं को वो जिसका अकाउंट देते हैं पैसे ट्रांसफर करने के, उसमें वो ट्रांसफर कर देते हैं भाई। बिजनेस के तौर पे बिजनेस करते हैं वो, किसी से भी पैसा ले खजूर लेंगे, पैसा वो जिसमें कहेंगे उसमें आदमी ट्रांसफर कर देगा। आमिर भी खजूर का काम करता था? हाँ, आमिर भाई खजूर का काम 3-4 महीने से कर रहे हैं। क्या कहीं बाहर से भी पैसे आते थे खजूर के? पैसे आते नहीं थे, यहाँ से देना पड़ता था भाई, लखनऊ में जहाँ जहाँ वो दुकान पे खजूर सप्लाई करते थे, जब उनकी बिक जाती थी तो वो लोग पैसा देते थे, फिर जो भाई जहाँ से खजूर लेते थे उनको वो पैसे दे देते थे। आप लोगों के सामने आमिर से किस तरह की कोई पूछताछ की गई हो, कुछ पूछा गया? नहीं, हम लोगों के सामने पूछताछ नहीं की गई, हम लोगों को बस ये है कि 2-3 मिनट के लिए एक बार लेके गए थे हमको और मेरे छोटे भाई को, और पूछा था कि जो है उनके सामने भाई से पूछ रहे थे कि हाँ ये ट्रांजेक्शन तुमने किया, ये ट्रांजेक्शन के नाम पूछे थे हिस्ट्री में किसका किसका है, तो उसमें हमारा भी था, तो उन्होंने हमसे भी देखा था, कहना चाहिए तुम्हारा भाई है, ये सब देख रहे थे, चेक कर रहे थे, वो मिलने आते थे। क्या नाम है? सभी लोग जानते हैं इनको, मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पे, मैं बचपने से यहाँ पैदा हुए हैं यहाँ पे बच्चे, तो ऐसा नहीं है, और ये सब लोग इनको अच्छी तरीके से जानते हैं, कोई ऐसे संदिग्ध गलत उसमें ये कभी लिप्त नहीं हुए। कभी लगा हो ऐसा कि कोई संदिग्ध परिस्थिति में या कोई बाहर से मिलने वाला आया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं दिखा। क्या काम करते थे आमिर, कोई जानकारी? कोई प्राइवेट जॉब इनकी थी, कोई के पास हमारे नाली में अभी तक कोई नहीं है, कोई किसी ज्यादा बातचीत न झगड़ा लड़ाई किसी से कुछ नहीं होता है। क्या करते थे आमिर, किस तरीके? आमिर ये किसी फैक्ट्री में, वहाँ हम गुमती नगर साइड में सर्विस करते थे प्राइवेट। मतलब कभी कुछ ऐसा नहीं लगा आप लोगों को? नहीं, कभी ऐसा महसूस हमको नहीं हुआ। ये मोहल्ले वालों का साफ तौर से कहना है कि आमिर किसी भी तरीके किसी में शामिल नहीं था। फिलहाल अगर एटीएस की बात करें तो अभी जांच की जा रही है, अभी संदिग्ध के घेरे में है। 4 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है, प्रयागराज से, रायबरेली से, लखनऊ से, कई जगह से लोगों को पकड़ा गया है, पूछताछ की जा रही है। फिलहाल एटीएस अपनी जाँच कर रही है, अभी और लोगों की भी गिरफ्तारी इसमें हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी तरीके से जो ऑपरेशन किया गया है, ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की टीम ने मिलकर इसको का अंजाम दिया गया है। फिलहाल अब देखना होगा जिस तरीके से ये लोग गिरफ्तार किए गए, पूछताछ चल रही है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कैमरामैन मानस के साथ सफिया मत के न्यूज़ इंडिया।